हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। असम 90% VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ करेंगे प्रचार। अब तो भारत के कट्टर हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों को भी लगने लगा है कि बीजेपी आरएसएस से हिंदू धर्म को खतरा है। इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। असम और गुवाहाटी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लगभग 90% सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का भी फैसला लिया है। गुवाहाटी के साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका जी प्लस से बात करते हुए बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक दीप ज्योति शर्मा ने बताया कि गुवाहाटी के 820 बजरंग दल कार्यकर्ताओं में से 816 ने इस्तीफा दे दिया है। खुद दीप ज्योति ने भी जिला संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का सिलसिला 24 मई को सुकेरेश्वर मंदिर में एक मीटिंग होने के बाद शुरू हुआ। इस मीटिंग में असम के लगभग सभी बजरंग दल कार्यकर्ता और कुछ विश्व हिंदू परिषद के सदस्य शामिल हुए। दीप ज्योति शर्मा के मुताबिक पूरे असम में लगभग 14,000 बजरंग दल कार्यकर्ता हैं, जिनमें से 13,900 ने इस्तीफा दे दिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों की बात करें तो गुवाहाटी के 400 सक्रिय सदस्यों में से 380 ने इस्तीफा दे दिया। असम में विश्व हिंदू परिषद के टॉप नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। इसमें विश्व हिंदू परिषद के स्टेट एडवाइजर डॉक्टर टी के शर्मा भी शामिल है। बजरंग दल के राज्य कार्यकारी दल के 11 में से 10 सदस्यों ने 24 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। क्या है इस इस्तीफे की वजह? दरअसल एक महीने पहले प्रवीण टोंगड़िया ने विश्व हिंदू परिषद से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। टोंगड़िया पर लगातार बीजेपी आरएसएस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य का कहना है कि पिछले 6 सालों से टोंगड़िया बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे और राघव रेड्डी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन दो लोगों की कड़ी मेहनत के कारण भाजपा आज राज्य और देश में सत्ता हासिल कर पाई है। क्योंकि टोंगड़िया ने केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणी की, इसलिए उन्हें बीजेपी आरएसएस ने पद से हटा दिया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है। दीप ज्योति शर्मा के मुताबिक टोंगड़िया केंद्र सरकार के यूटर्न से परेशान थे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वीएचपी और बजरंग दल से वादा किया था कि वो राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। 2014 के चुनाव से पहले बीएचपी और बजरंग दल से वादा किए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर टोंगड़िया केंद्र सरकार के यूटर्न से परेशान थे। टोंगड़िया इसलिए भी नाखुश थे क्योंकि देश में हिंदू युवा अभी भी बेरोजगार है। आज भी भारतीय हिंदू नागरिक को पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार हिंदुओं की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में विफल साबित हुई। दीप ज्योति शर्मा का कहना है कि असम के 90% बजरंग दल और बीएचपी के सदस्य प्रवीण टोंगड़िया के साथ हैं और हम 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे। नया हिंदूवादी संगठन बना रहे हैं टोंगड़िया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला संयोजक दीप ज्योति शर्मा का कहना है कि टोंगड़िया जल्द ही एक नए हिंदूवादी संगठन की स्थापना करने वाले हैं। 24 जून को दिल्ली में प्रवीण टोंगड़िया नए हिंदूवादी संगठन का ऐलान करेंगे। इसके बाद 1 जुलाई को असम का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ सदस्य भी टोंगड़िया के नए हिंदूवादी संगठन में शामिल हो सकते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।